और बस बारिश नहीं आनी थी आज। तो काटते काटते हो गई है मेरी दराटी खुंटी और मैं इसको इधर हमारे सुपुत्र जी है। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ सीमा कंवर और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द कंवर फैमिली में, और मेरा फेसबुक पेज है सीमा कंवर। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी न्यू वीडियो में। तो गाइज, फाइनली लहसुन की खुदाई का काम शुरू हो गया है, और ये देखिए पीछे वैभव और उसके दादी लगे हैं खुदाई में, दोनों दादी पोते की जोड़ी। और मैं लहसुन काटने आई हूँ अभी, और घर का काम निपटाने के बाद तो मैं दिखाती हूँ आपको लहसुन अभी कितने खोदे हैं इन्होंने, और आज ही हमने शुरू किए हैं। और वैसे तो मौसम भी थोड़ा ख़राब हो गया है, आज बादल जैसे हैं, क्योंकि बारिश इसके लिए बहुत ही ख़राब होती है। पूरे लहसुन ख़राब हो जाएंगे अगर बारिश अभी जोरों की आ गई इसके ऊपर। तो जी, हमने लहसुन लगाए थे सितंबर, मतलब कि लास्ट वीक और अक्टूबर फर्स्ट में लगे थे ये लहसुन, और अभी हम खोद रहे हैं। आज है 11 मई, तो लगभग 8 महीनों की फसल होती है ये। तो गाइज, इससे पहले लहसुन के रेट थे बहुत ही अच्छे, मतलब 400 तक था, और अभी जब हम जिमीदारों के लहसुन की खुदाई हुई है, कुछ लोगों ने तो बेच भी दिया, अभी शुरू है मतलब कि पिछले महीने से, तो अभी लहसुन का रेट हो गया है डाउन, मतलब 150 से 200 बिक रहा है। तो जिमीदारों को उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है मेहनत का जितना कि मिलना चाहिए, क्योंकि जो खेती बाड़ी का काम है बहुत ही मेहनत भरा होता है पूरा, मतलब सुबह से शाम तक एक किसान होता है जो खेत में रहता है, तब जाके कुछ मिलता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको लहसुन। तो गाइज, ये देखिए इस तरीके से खोद दिए हैं, और अभी इसकी कटाई करूँगी मैं। और ये देखिए आप, तो गाइज अभी ये रहे हुए नीचे को खेत खुदाई करने को, और ये देखिए नीचे जिन्होंने खोद लिए हैं, और इधर लगी है दादी पोते की जोड़ी खुदाई में, उधर को वैभव की दादी जी है और इधर हमारे सुपुत्र जी है, और वैभव खुदाई कर रहा है। अभी छुट्टियां है ना इसकी स्कूल की, तो थोड़ी मदद भी मिल जाएगी, और टाइसन भी बहुत मदद कर रहा है, देखिए ये दादी के साथ साथ। और अम्मा जी ने देखिए, अम्मा जी ने बहुत खुदाई कर दी है सुबह से, सख्त नहीं है अम्मा जी ना। और अम्मा जी अपनी चॉइस से खुदाई का काम कर रहे हैं, इनको खुदाई करने में अच्छा लगता है, और मैं करूंगी काटने का काम। और काटनी थी खींच दी नहीं तुम, तभी तुम एक ढेर ला रखा तो कल काट रहे थे दादी, ऑल राउंड रहे थे, अब दादी की नकल मैं कैसे थोड़े नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए गाइज, मैं काट लेती हूँ, नहीं तो गालियाँ देनी इन दोनों ने, दादी पोतों ने मिलके मुझे। चलिए जी, काम ऐसी बात नहीं है, मैंने अपना घर का काम है सुबह पहले जो होता है, खाने पीने से लेके अपनी सुरभि का, सभी का, सभी के खाने का इंतजाम करके तभी मैं अभी वीडियो बनानी मैंने स्टार्ट की है। और अभी कर लेती हूँ मैं कटाई जरा लहसुन की, तो मिलती हूँ आपसे। ये देखिए इस तरीके से काटा है हमने, ये देखिए, और ये हरी डंडी होती है ना, तो काटने को मतलब अच्छा रहता है, हार्ड नहीं है, नरम है ये काटने के लिए, और नीचे खुदाई के लिए भी नरम है, क्योंकि बारिश हो गई थी तो उससे खोदने के लिए भी नरम है, और बस बारिश नहीं आनी थी आज, ताकि काम हमारा हो जाएगा एक दो दिन में अगर बारिश नहीं आई। बारिश फिर काम बिगाड़ देती है, कल भी शाम को बहुत तूफान जैसा आया था, तो इसके लिए थोड़ी दराटी तेज चाहिए होती है, मैंने तेज तो की है पर बीच में फिर वो जाती है खुंडी, तेज करने पड़ो बीचों बीचों में। इस तरीके से मैंने काट दी है और धूप में डाल दी है, ताकि ये सूख भी जाए साथ साथ में, क्योंकि ये गीले होते हैं ना, सूख जाएंगे जैसे ही धूप लगेगा। इसमें तरपाल के ऊपर डाल दिया है मैंने, तो काटते काटते हो गई है मेरी दराटी खुंटी, और मैं इसको तेज कर दी हूँ, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी कटता है, नहीं तो फिर हाथ में ना यहाँ दर्द हो जाती है अगर दराटी खुंटी हो। और मैंने लिया है ईंट तेज करने के लिए,
तो जिनी जिनी खून दी है ना अपने लसन तो मेरे बुआरे पे आ जाए लसन काटने का लसन काटने लसन खूनने। तो जी ये देखिए अम्मा जी का तरीका लहसुन काटने का, डंडियां काट रहे हैं अम्मा जी फटाफट से। खाना खाने चलो अब। तो गाइज अभी हम कर लेते हैं लंच और दिन का टाइम हुआ है, अभी सवा एक हुए हैं और उसके बाद करेंगे हम और काम अभी, क्योंकि थोड़ा सा अभी लंच ब्रेक होगा, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर करेंगे दोबारा से शुरू अपना काम। तो गाइज ये देखिए अभी हमने ढक दिए हैं क्योंकि एकदम से आ गई है बारिश, और पकी हुई फसल में बारिश आए तो बहुत ही नुकसान करती है। सभी ने फटाफट ढक लिए हैं और हमारे कुछ काटने को रहे हुए तो उधर दूसरे तरपाल के नीचे रखे हैं, और जो कटे हुए वो हमने इधर नीले पर तरपाल के नीचे रख दिए। और टाइसन बैठा है इधर ही अभी बारिश का वेट कर रहा है कि कब ज़्यादा बारिश आए। तो जी बारिश तो हुई नहीं, और बारिश ने किया थोड़ा सा हमारा टाइम वेस्ट, बारीक बारीक सी ऐसी रिमझिम सी हुई थोड़ी देर, मतलब कि 5 मिनट, और बादल तो थे बहुत घनघोर, जहाँ हुई वहाँ हुई भी बारिश। तो उस टाइम में हमने कर ली अपनी चाय ब्रेक जी, और अभी हम अभी शाम का समय है, मतलब सनसेट होने वाला है, तो अभी काम करते हैं हम बंद, और मैं थोड़ा सुरभि के लिए घास काट लेती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा आप खूब सारा, ऐसे ही आपको पहाड़ी लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा हिमाचल सिरमौर का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा खुश रहिए।